A very good afternoon to all of you. हाँ, मिल रहे उस बैकग्राउंड पे जहाँ कुछ दिन पहले आपके आँखों में आंसू थे जो पहला अटेम्प्ट रह गया, करेक्ट ना? CA के एग्जाम की ये फीचर है, ये एक स्पेशल फीचर है कि जो फाउंडेशन में पहले अटेम्प्ट में फेल होता है वो फिर इंटरमीडिएट और फाइनल में कभी फेल होता नहीं। ऐसा मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस मेरे को कहता है कि जो फाउंडेशन के पहले अटेम्प्ट में फेल होता है वो फिर इंटरमीडिएट फाइनल पहले पहले झटके में निकलता है। कंडीशन सिर्फ एक ही है और वो कंडीशन ऐसी है कि सेकंड अटेम्प्ट में बहुत सिंसियरली पढ़ाई करना चाहिए। अगर उसमें दोबारा फेल हो गए तो वही मेरा 35 साल का एक्सपीरियंस ऐसे कहता है कि दो अटेम्प्ट के बाद तीसरा अटेम्प्ट देने में कुछ एनर्जी बचती ही नहीं, तो फिर ये ऑलमोस्ट नामुमकिन बन जाता है। और आपके लिए ये बात ज़्यादा हैसियत रखती है इसलिए कि फिर दिसंबर में फेल हो गए तो जून में नए सिलेबस की पढ़ाई करनी पड़ेगी और फिर नए सिलेबस में आपको लॉ में अभी जो BCR का सपोर्ट मिलता है कि जो 20-25 मार्क्स तो ऐसे ही निकल जाते हैं, फिर लॉ में निकलना ऐसे ही 15-20 मार्क्स, वो सपोर्ट आपका निकलने वाला है बिकॉज लॉ इज गोइंग टू बी फॉर फुल 100 मार्क्स। सिमिलरली इन अकाउंटेंसी देर आर क्वाइट अ फ्यू मोर चैप्टर्स आर एडेड, इन लॉ सम एक्ट्स आर मोर एडेड टू दैट इन द न्यू सिलेबस, बट देन यू विल डेवलप एन इरिटेशन वैसे, सर हम फेल होने वाले ही नहीं है तो फेल होने की बात क्यों करते हैं? फेल होने की बात इसलिए करते हैं कि कहीं पहले अटेम्प्ट में फेल होने के बाद फेल्यूर की आदत ना बन जाए, करेक्ट ना? आज पहले दिन हमें ये सोचना है, वी हैव टू थिंक ओवर दिस एज टू व्हाट वाज द रीजन ऑफ आर फेल्यूर, व्हाई डिड यू फेल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड देन यू विल गेट अ वेरी इजी एंड अ वेरी ऑब्वियस रिप्लाई दैट यू फेल्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट बिकॉज यू डिड नॉट पास इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। You failed in the first attempt because you did not want to pass in the first attempt. पहले दिन से ना पढ़ाई की आपने, अगर पढ़ाई की भी हो तो भी जिस तरीके से पढ़ाई, जिस प्लानिंग के साथ पढ़ाई करना था वो आपने नहीं किया है, राइटिंग प्रैक्टिस लॉ में की नहीं है, जो चैप्टर्स के वेटेज ज्यादा है उन चैप्टर्स को पहले अच्छे तरीके से प्रिपेयर नहीं किया होगा, और ऐसे करते करते फिर फर्स्ट 2 months यू स्पेंड विदाउट प्रिपरेशन, लेटर ऑन हाउएवर सिंसियर यू मे बिकम इट विल बी डिफिकल्ट टू पास। सो द वन रीजन ऑफ फेल्यूर इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट वॉज दैट यू डिड नॉट डू द सेल्फ स्टडी प्रॉपरली, यू डिड नॉट डू द रिविजन प्रॉपरली, and the second obvious and very serious cause was lack of attendance in the class. I tell you now, this is a professional examination. Professional examination mein agar ek din bhi agar aap miss karte ho, even if you miss the lecture, one lecture, it would be very difficult to develop the linkage with the next lecture. And then you start lagging behind. आज जो हुआ है वो अगर नहीं समझा है तो कल का लेक्चर भी नहीं समझता है, कल का लेक्चर नहीं समझता है तो परसों का लेक्चर भी नहीं समझता है, और ऐसे 2-3 लेक्चर्स अगर मिस हो जाते हैं तो पूरा चैप्टर हाथ से निकल जाता है,
और चैप्टर हाथ से निकल गया तो फिर भी प्रिपरेशन पॉसिबल हो सकता था, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए। तो वेरी सिंसियरली आई एम टेलिंग यू वरिंदर, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट लैक ऑफ 100% अटेंडेंस इज गोइंग टू बी द रीजन ऑफ फेल्यूर, एंड दैट रिस्क इज मेनी मोर टाइम्स देयर नाउ बिकॉज दिस पीरियड टिल डिसम्बर इज गोइंग टू बी फुल ऑफ फेस्टिवल्स। अभी इसी महीने में गणपति आने वाले, मग गणपति आले की आई म्हणते बाळा इकडे निघून ये घरी, हे बाळ घरी जातो आणि मग वो मम्मी कहती है कि अभी यहां से ऑनलाइन लेक्चर्स कर ले। ऑनलाइन लेक्चर्स आई टेल यू वो होता नहीं। व्हेन इन फेब्रुवारी 2020 कोविड स्टार्टेड रिंगिंग द बेल्स इन इंडिया, आई वॉज द फर्स्ट टीचर टू स्टार्ट टेकिंग द लेक्चर्स विथ ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल सेटअप विथ एवरीथिंग वेरी हाई टेक एंड वेरी मच इफेक्टिव। आई स्टार्टेड टेकिंग द लेक्चर्स ऑनलाइन एंड देन द स्टूडेंट डिड वेरी वेल, बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट, माई ओपिनियन इज दैट कभी ऑनलाइन कभी ऑफलाइन ये वर्क होता नहीं। ऑनलाइन करना है तो फुल ऑनलाइन होना चाहिए, और ऑफलाइन करना है तो फुल ऑफलाइन होना चाहिए। कभी ये कभी वो ऐसा होता नहीं। अभी जिनको ऑनलाइन करना है, जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं, सो मेनी स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग द लेक्चर ऑनलाइन फ्रॉम आउटसाइड, फॉर देम आई टेल यू, आई अपील टू देम ऑल एंड आई एम अपीलिंग टू यू एज वेल, दैट यू हैव टू बी वेरी वेरी मच फोकस्ड एंड सिंसियर इनकेस इफ यू हैव टू गेट अ सक्सेस थ्रू ऑनलाइन अटेंडेंस। क्योंकि होता क्या है कि लेक्चर शुरू होता है आपका चैट शुरू होता है फ्रेंड्स के साथ, नहीं तो फिर आप सो जाते हैं, घर में सबको लगता है कि तुम लेक्चर अटेंड कर रहे हो, फिर आप क्या करते हो ये आपको भी पता है कि आप पढ़ाई नहीं करते, लेक्चर अटेंड नहीं करते। ऐसी लेक्चर ऑफ एनी सब्जेक्ट फॉर दैट मैटर विल नॉट बी लाइक तारक मेहता कि यू स्टार्ट तारक मेहता एंड यू स्टार्ट एंजॉइंग इट, इट विल नॉट बी लाइक दैट दोज वीडियोज यू सी ऑन द मोबाइल फोन विच यू शुड नॉट सी, दैट वंस यू स्टार्ट दैट मोबाइल यू गेट इन्वॉल्व इन दैट एंड देन यू डू नॉट यू नेवर गेट डाइवर्टेड फ्रॉम दैट कॉन्सेंट्रेशन लेवल। ऐसा तो होता नहीं है ना। जब लेक्चर होता है तो फन तो जरूर होगा, हमारे लेक्चर में तो जरूर होता है, बट फन के साथ अपने को एकेडमिक्स की तरफ देखना है, टेक्निकल कंसेप्ट देखना है, फुल्ली वी हैव टू बी एनग्रेव्ड इन द लेक्चर, एब्जॉर्ब्ड इन द लेक्चर एंड देन द थिंग्स आर गोइंग, नहीं तो फिर क्या होगा वापिस कि 31 दिसंबर को जब आपकी एग्जाम शुरू होने वाली है, बाय गॉड्स ग्रेस यू हैव गॉट 1 वीक एक्स्ट्रा, 1 वीक द एग्जामिनेशन इज पोस्टपोन्ड, 1 वीक मेक्स अ बिग डिफरेंस टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि 1 वीक में आपकी पढ़ाई जो आधी अधूरी रही है वो पूरी हो सकती है। तो गॉड इज इन योर साइड एंड दैट गॉड वॉट एवर पावर यू बिलीव इन हैज गिवन यू 1 extra week फॉर गेटिंग द सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन, and we are going to make the full use of it. But abhi that is Ganesh Chaturthi, wo festival aata hai, followed by phir Navratra aata hai, phir Dasra aata hai, phir Diwali aati hai, aur ye kabhi rukta hi nahi hai, kabhi khatam hi nahi hota hai, Christmas aata hai, correct na, Christmas aata hai to end hote hote 31st December aata hai, फिर इस टाइम रात को आपको कहीं कुछ भी करने का मौका नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 31st को पहला अकाउंट्स का पेपर है, 1st को ऑफ है, पर 2nd को इमीडिएटली लॉ का पेपर होने वाला है। तो ये सब जो फेस्टिवल्स आने वाले, ये जो सब ऐसे फेनोमिनल इवेंट्स आने वाले हैं, इनसे आपको दूर रहना पड़ेगा।
इनसे आपको बचना पड़ेगा। वैसे भी दिवाली में फटाके फोड़ाई से तुमसे वही नहीं है, तो वो है फटाका दिसाई से है। फटाके काय फोड़े थे बरो ना। तो इस बात को समझो कि आपको अगर दिसंबर अटेम्प में ना सिर्फ क्लियर करना है बट स्कोरिंग के साथ क्लियर करना है, तो आपको थोड़ा सा सैक्रिफाइस की जरूरत है। और वो जो सैक्रिफाइस होगा, वो सैक्रिफाइस होगा इन टर्म्स ऑफ द फेस्टिवल्स, द एंजॉयमेंट ऑफ फेस्टिवल्स। यू हैव टू बी डूइंग लाइक इट्स कॉल्ड तपश्चर्या, वेन द होल फैमिली इज एंजॉइंग एंड सेलिब्रेटिंग सम फेस्टिवल्स, यू हैव टू बी अवे फ्रॉम दैट। ये अगर मन पे कंट्रोल होगा तो आई एम रेडी टू बेट ऑन दिस दैट यू कांट फेल इन दिस डिसंबर अटेम्प्ट। एंड वाई आई से दैट इज बिकॉज देर इज वन मोर रीजन फॉर दैट, एंड द रीजन इज दैट बिकॉज इन दिस ओल्ड सिलेबस दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट अटेम्प्ट ऑफ दिस ओल्ड सिलेबस। देयरफॉर परहैप्स द पेपर्स विल बी लिटिल इजियर, चेकिंग इन द फर्स्ट टू पेपर्स ऑफ अकाउंट्स एंड लॉ विल बी लिटिल लिबरल। ऐसा हुआ है जब 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 वो पैटर्न चेंज हुआ है, तो लास्ट अटेम्प्ट वाले जो होते हैं वो खटक कर निकल जाते। आपके पास वो एक अपॉर्चुनिटी है, पर खटक कर निकल जाते हैं मुझे, तुम सो जाओ, तुम डांस करो, तुम वो पटाखे फोड़ो, और फिर वो तुम ऐसे है तुमको आगे ढकल देगा, ऐसा नहीं होने वाला। इवन इन द कोविड टाइम्स ऑल्सो आईसीआई डिड नॉट गिव द मास लिबरली लाइक दैट। हाँ, ये जरूर हुआ था कि दो बार एग्जाम हुई, रिपीटेड एग्जाम्स हुई कंसीडरिंग द कंडीशंस। वैसे इस बार ये लास्ट अटेम्प्ट होने के कारण थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड हो सकता है, तो दिस इज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर मेनी ऑफ यू। पर कब, व्हेन मिनिमम लेवल ऑफ प्रिपरेशन इज डन बाय यू गाइस। रहा सवाल मैथमेटिक्स का, पेपर 3 का, पेपर 3 में जो मैंने कहा है, जिस सीक्वेंस से लिया है उस सीक्वेंस से प्रिपरेशन करेंगे, एक भी लेक्चर अगर मिस नहीं करेंगे, आई प्रॉमिस टू यू यू कैन नॉट फेल। यू मस्ट हैव सीन दैट द पेपर दिस टाइम वॉज लिटिल मोर लेंदी। क्या मतलब है लेंथी पेपर का? अनसिन कुछ नहीं आया था, अननोन कुछ नहीं आया था। हाँ, यही हुआ कि थ्योरी ऑलमोस्ट सही थी और दैट वाज रिप्लेस बाय द प्रॉब्लम, तो स्पीड का प्रॉब्लम था, टाइम का प्रॉब्लम था। पर अगर टाइम का प्रॉब्लम होता है तो 80 मार्क्स मिलने के जगह 70 मार्क्स मिले, 70 की जगह 60 मिले, दिस आई कैन अंडरस्टैंड, बट फेल होने को कोई रीजन नहीं था। समझा क्या? 60-65 क्वेश्चंस अगर आप अटेम्प्ट करते और 60-65 में से मोस्टली द क्वेश्चंस कम करेक्ट, यू विल गेट मार्क्स इन दैट, यू यू क्लियर द पेपर, बट यू डिड नॉट क्लियर सम ऑफ यू बिकॉज यू डिड नॉट प्रिपेयर। सो मेनी स्टूडेंट्स आई गॉट 90+ इन मैथमेटिक्स इन द इन विच यू फेल्ड। आप जिन एग्जाम में फेल हुए हो या जो एग्जाम आपने दी नहीं है, उन एग्जामिनेशंस में एटलीस्ट 27 स्टूडेंट्स हैव गॉट 90+ इन मैथमेटिक्स, 90 90 90 नहीं, और 90+ इज द स्कोर ऑफ ओनली वन अटेम्प्ट, इज नॉट द टोटल ऑफ 3 अटेम्प्ट। तो 90+ कुछ स्टूडेंट्स को मिलते हैं, इतने स्टूडेंट्स को मिलते हैं, एक दो स्टूडेंट्स नहीं, ऐसे सिर्फ एकत्व में 27 स्टूडेंट्स है कि जिनको 90+ मार्क्स मिले हैं। तो फिर हम अगर फेल हुए थे तो क्यों फेल हुए थे, इस क्वेश्चन का, इस सवाल का जवाब अगर आप खुद को ऑनेस्टली दे सकते हो तो यू विल पास इन दिस एग्जाम। एंड नॉट ओनली यू विल पास इन दिस फाउंडेशन एग्जाम, एज आई सेड अर्लियर, यू विल इंटरव्यू।
क्योंकि वो इस तरीके से स्टडी करना ये आपके हैबिट बन जाती है। आपको एक रास्ता दिखाई देता कि ये इस रास्ते से जाएंगे तो सक्सेस मिलता है, जो शायद आपके साथ फाउंडेशन में थे पहले अटेम्प्ट में और वो पास होकर आगे चले गए हैं, तो उनके पास शायद ये हो सकता है कि उनको बेसिक और ऐसे और बेसलाइन मार्क्स मिले जो पासिंग के लिए, जो सर्वाइवल के लिए, और फिर वो आगे जाके आपके लिए के लिए वेट करेंगे, वो वहां रुकेंगे, तुम वापस जाकर उनको मिलेंगे, वापस तुम एक साथ आ सकते हो। ये इसलिए होता है कि आपको अगर ट्रैक मिल गया ना, तो गिविंग एग्जामिनेशन इज लाइक प्लेइंग अ स्पोर्ट, इज लाइक प्लेइंग अ गेम ऑफ क्रिकेट, इज लाइक प्लेइंग द गेम ऑफ फुटबॉल। उसका कुछ एक एनवायरनमेंट होता है, उसके कुछ एक रूल्स होते हैं, उसके कुछ एक प्लानिंग के साथ जाना पड़ता है। वो अगर आप जाएंगे तो ऑल ऑफ अ सडन द गेम बिकम्स, द मैच बिकम्स वेरी इजी टू प्ले, और उसमें गड़बड़ होती है तो फिर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू मैच। उसी तरीके से यहाँ भी हो देगा। तो हमें रास्ता ढूंढना है कि इस एग्जाम में सक्सेस होने का क्या रास्ता है। तो अभी मैथमेटिक्स के एंगल से अगर देखेंगे तो फिर हम क्या करने वाले हैं, देर आर फ्यू चैप्टर्स विच कैरी लार्जर वेटेज देन द अदर चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल, ये एमसीटी, एमडी और डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये एक ब्लॉक को ही 20 मार्क्स ऑलमोस्ट आते हैं। आपके पेपर में भी 20 क्वेश्चंस उस पे थे। ये अलग बात है कि थेरी जनरली आती है, वो थेरी कम आई थी, प्रॉब्लम ज्यादा आए थे, वो अलग बात है, बट 20 क्वेश्चंस वेर देयर एंड द प्रॉब्लम्स व्हिच वेर देयर इन योर पेपर वेर नॉट द डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, ओनली इट वॉज मैटर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। तो 20 मार्क्स का ये एक चैप्टर होता है, 20 मार्क्स का लॉजिकल रीजनिंग होता है। तो लॉजिकल रीजनिंग में हम मान के चलते हैं कि चलो आइन वर्क पर आपको वो समझा नहीं, वो रिलेशन क्या है, फॉर एग्जाम्पल नंबर सीरीज, फाइंड द मिसिंग नंबर वगैरह, वो नहीं आपके टोके में आया, पर 20 में से 10 मार्क्स तो मिल सकते हैं कि नहीं। तो 20 प्लस 10 उधर होते हैं, टाइम वैल्यू पे 10-12 मार्क्स तो आता ही है, वो और 10 कंसिडर करो, और फिर जो छोटे छोटे पिटकले चैप्टर्स है, इंडेक्स नंबर्स में मार्क्स मिलना बहुत सिंपल होता है, स्टेट रिलेशन फंक्शन के मार्क्स मिलना बहुत, आपका पेपर मैं खोलूंगा बाद में, जैसे हम कुछ चैप्टर्स कंप्लीट करेंगे आपका पेपर हम खोलेंगे, पेपर को देखेंगे, एंड देन आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, टेल मी इडियट्स, वॉज देयर एनी सब्सटेंशियल रीजन फॉर गेटिंग अ फेल्यूर इन पेपर। और आपको भी वो अंदर से फील होगा, अरे माई वाई डिड आई फेल, नहीं तो फिर तुम जवाब देंगे हम इसमें फेल हुए ही नहीं है सर, हम फेल हुए लॉ में, फेल हुए हैं, फिर कहा हम कहाँ फेल हुए, हम पास हो गए थे। देयर ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, किसी एक सब्जेक्ट में 45-46 मार्क्स मिला के पास होते हो, और किसी अदर सब्जेक्ट में आपको 38-35 मार्क्स मिला के आप फेल होते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 35 मार्क्स मिला है तो यू वर वेरी वीक इन दैट सब्जेक्ट एंड 48 मार्क्स मिले हैं तो यू आर वेरी स्ट्रांग इन दैट सब्जेक्ट, ऐसा नहीं। ये बॉर्डर लाइन हियर योर जो होता है ना, ये इसका मतलब कि आप दोनों भी सब्जेक्ट में इक्वली वीक थे। क्या पास हुए इसका मतलब स्ट्रांग थे, ऐसा नहीं है। अगर 60 के ऊपर मार्क्स मिलाते हो तो इसका मतलब है कि यू वेर गुड इनफ इन दैट सब्जेक्ट। इसलिए इंटरमीडिएट और फाइनल में जब दो ग्रुप्स होते हैं, समझो तुमने एक ग्रुप क्लियर किया और दूसरे ग्रुप के एक सब्जेक्ट में आपको 65 मार्क्स मिले, तो वापिस एग्जामिनेशन सेकंड ग्रुप का देते समय उसमें एग्जम्पशन मिलता है, वो वापिस देना नहीं पड़ता पेपर, और उसके नीचे मार्क्स मिले तो वो पेपर वापिस देना पड़ता है, क्योंकि एक लेवल होती है 60 के, एक लेवल ऐसी है कि दैट विल इंडिकेट यू आर स्ट्रांग इनफ इन दिस सब्जेक्ट। हाँ, बाकी सब्जेक्ट में यू आर वीक, देयरफॉर यू फेल्ड। कुछ 20 इयर्स बैक देयर वाज अ स्टूडेंट ऑफ माइन, गौरी राव फ्रॉम हैदराबाद, हर फाइनल सी ए फाइनल रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड एंड शी कॉल्ड मी एंड शी वॉज क्राइंग। आई आस्क गौरी व्हाट हैपेंड, एंड गौरी सेड सर आई हैव गॉट 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंट्स।
I said, you have made a record. You have made a history because nobody so far has got 100 out of 100 in CA final accounts. Then why, what makes you cry? I thought that these are the tears of joy. So I asked her, Gauri, what happened? And she said, sir, I have got 39 in law. देखो हाँ, एक मार्क आईसीआई ने दिया नहीं उसको ग्रेस मार्क, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग अ हिस्ट्री इन द आईसीआई टोटल रिकॉर्ड्स, शी वाज नॉट गिवन वन ग्रेस मार्क टू क्लियर लॉ. वो एक मार्क मिल जाता तो वो सीए बनी होती थी, वो उसी अटे में, वो बाद में बन गई वो अलग बात है, लेकिन उसी अटे में बन, समझा? तो यहां आपको मार्क्स ऐसे खैरात में देने वाले मिलने वाले नहीं है, आपको मार्क्स को अर्न करना पड़ेगा, मार्क्स मिलेंगे नहीं. तो फिर अगर मार्क्स को अर्न करना है तो मैं आपके साथ, एटलीस्ट फॉर दिस सब्जेक्ट आई विल बी ऑलवेज विथ यू, लेट मी मेक इट एब्सोल्यूटली क्लियर अबाउट व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू. Because if at all you have to get a success, even the teacher has to be focused, teacher has to be honest, teacher has to be sincere, teacher has to do the hard work. And my commitment is that I'm going to do the hard work for your success. Aur aapke success ka matlab, mera matlab ye nahi hai ki 50 marks milenge, 55 marks milenge, you are going to get visibly. So what will be the methodology? I will give you the set of color notes by Monday or Tuesday. Otherwise, I can send you a PDF of that. You can get a printout for 1 or 2 days. Problem. But we are going to start with a 20 marks part, that is MCT MD. पहले हम उसकी पूरी revision करेंगे, मतलब पूरा सीखेंगे. Revision क्या करें चुमना? मतलब कहीं से नहीं, कैसे revision? हमें कुछ आता ही नहीं, revision क्या करेंगे? हमने कुछ किया ही नहीं था. जो भी एग्जाम में आ सकता है उस पूरे जो है कहने के लिए, इसको फास्ट ट्रैक बैच कहो, रिवीजन बैच कहो, रैपिड फायर बैच कहो, कुछ भी कहो, लेकिन मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट ऐसे होता है कि ये पूरा फ्रेशली पढ़ना पड़ता है. रिवीजन विविजन ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि कुछ आता ही नहीं है. तो वी आर गोइंग टू लर्न इट अफ्रेश, डोंट वरी. That will be followed by practice of MCQs from the module. जो हमने regular lecture में, regular first attempt में भी किया था, सिर्फ दिन में करने के बजाय रात में किया था, रात में extra lectures कर लेके किया था, पर आपकी irregularity वहां थोड़ा सा problem बन गई. एक lecture किया attend, एक lecture नहीं किया attend, बीच में ही hopes ही छोड़ दिए CA बनने की. Whatever is the reason, now that has become the past. I'm not going to open that past again. But we are going to solve point by point every MCQ in the module. I will be giving you the set of questions. Those are so far asked in the examinations in the last few years, especially CPT shuru hone ke baad, kyunki CPT ke pehle wo descriptive paper tha. CPT ke baad, 2006-07 ke baad, it was converted into the MCQ style of examination. Uske baad ke jo question, the set of those MCQ will be solving them. Baki ICI ke taraf se jo bhi aata hai, revision papers aate kare, wo that we will solve. And I promise you that is ye sab karne ke baad aisa ek bhi question bachta nahi hai, ek bhi question ta nahi hai ki preparation nahi hua hai. Aur लास्ट अटेम्प्ट में भी देखा था, देयर वाज ओवर द स्टूडेंट इस एकेडमी, एक भी क्वेश्चन अनसीन नहीं था, अनसीन नहीं था, अननोन नहीं था, सब हमने किया था. ऐसा लगता था कि ये पता है पर अभी याद नहीं आ रहा है, अभी टाइम नहीं मिल रहा है, वॉट एवर प्रॉब्लम, बट अनसीन अननोन कभी पेपर में आया ही नहीं है. 35 साल की मेरी हिस्ट्री, 35 साल की मेरी मेमोरी, जहाँ तक सवाल है मेमोरीज का, अननोन जो क्लास में लिया नहीं है वो कभी आता ही नहीं है. पर आपने क्लास ही अगर अटेंड नहीं किया है तो आपके लिए वो अननोन बनेगा ना, दैट्स द ओनली रीजन. तो
See, I happen to be associated with ICI for so many years. ICI activities के साथ जुड़े रहे सारे सालों के, right from drafting the syllabus to. So I tell you, अभी देखो जो मैसेज आया है. This message is of a central council member, my good friend, ये शेखर चितरे. तो आई मीन क्रॉस प्रॉक्सिमिटी, सेंट्रल काउंसिल होता है, माहिती है ना तुम्हारा, जो पूरे आईसीआई को जो का रूलिंग करता है, सेंट्रल काउंसिल होता है, जहाँ पे इंडिया में से कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स इलेक्ट होके वहाँ आते हैं. तो आई कैन परफेक्टली टेल यू व्हाट इज गोइंग टू बी द पैटर्न ऑफ दिस सक्सेस, ऑफ गेटिंग सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन, नॉट ओनली फाउंडेशन बट इंटर ऑल्सो एंड फाइनल ऑल्सो. पर आपको वो फॉलो करना पड़ेगा. आज किया कल नहीं किया, परत कल किया परसों नहीं किया, ये ऐसा नहीं होने वाला. तो माय एक्सपेक्टेशन फ्रॉम यू इन दिस बैच इज ओनली वन फोल्ड एक्सपेक्टेशन, और वो एक्सपेक्टेशन इतनी ऐसी रहेगी कि बस आप सिर्फ जितना कहा जाए उतना करो, पर जो करो वो रिलीजियसली करो, जो कहेंगे वो सिंसियरली करो, और दूसरी बात यह है कि वो रिपीटेडली करो. वी डोंट हैव टू सॉल्व मेनी प्रॉब्लम्स, वी हैव टू सॉल्व सेम प्रॉब्लम्स मेनी टाइम्स. इसका फर्क देखो, क्योंकि आज एक बार आप टेस्ट देंगे, एक बार एमसीक्यू वो मॉड्यूल सॉल्व करेंगे तो नहीं होने वाला. लॉ में भी आपको यही करना है, बार बार लिखो, बार बार लिखो, हजार बार लिखो, लिखने की चीज है वो फाउंडेशन की दिल रुआ. क्या है? तो इस तरीके से अगर एफर्ट्स लेंगे तो फिर ये होने वाला है. नेक्स्ट लेक्चर भी स्टार्ट विद एमसीटीएमडी, नोट्स अभी आपको दी, दोस नोट्स आई विल बी गिविंग यू बाय मंडे. टिल देन आई विल सेंड यू द पीडीएफ ऑफ दोस नोट्स, सो यू कैन रेफर टू द कॉपी ऑफ दैट. बट वी विल बी स्टार्टिंग विद एमसीटीएमडी एंड दैट पेपर. और जब तक, और इतनी टेस्ट लेंगे, इतने बार टेस्ट लेंगे कि जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता कि लेट एनी क्वेश्चन कम इन द पेपर, सॉल्व इट नाउ. तो चैप्टर्स कम प्रिपेयर करो, लेकिन जो करेंगे उसे 100%, 101% प्रिपेयर करो और रिपीटेडली करो. अभी आपको एक निश्चय के साथ आना है, डिटर्मिनेशन के साथ आना है कि इस फाउंडेशन में हम वो प्रैक्टिस करेंगे जिसके सहारे, जैसे मैंने शुरू शुरू में बोला, इंटरमीडिएट और फाइनल का सक आपके लिए बहुत हो जाए, कि आपको पढ़ाई करने का तरीका समझ, उसके लिए क्या सेक्रीफाइसेस की जरूरत होती है वो समझ जाए. ओके, जो भी स्टूडेंट स्कूल में थे और जिन्होंने साइंस को जाके वो जेई और नीट का पढ़ाई करने का सोचा, और नीट दी अभी, और जो अब परहैप्स आईआईटी और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने वाले हैं, दे वेर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जामिनेशन, एंट्रेंस एग्जामिनेशन सब जेई नीट टीईटी जो भी है, फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड दे वेर गोइंग टू द क्लासेस, फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड दे वेर डूइंग द हार्ड वर्क, फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड दे वेर इन्वॉल्व इन द डिस्कशन. फैमिली में कोई शादी हो तो भी ये जाते नहीं थे, आपको पता भी नहीं था कि ऐसा होता है. तो इफ दोस चिल्ड्रेन योर फ्रेंड्स कुड टेक द एफर्ट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड, राइट फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड फॉर देयर एग्जामिनेशन, देयर सक्सेस, देयर करियर, यू कैन डेफिनेटली टेक एन अटेम्प्ट फॉर दिस. हाउ मेनी, 3-4 मंथ्स, सितंबर अक्टूबर, 3 ही तो महीने. दिसंबर तो पूरा तुमका वो रिविजन में और फिर ये इसमें जाएगा आपका. 3 महीने तो आप फोकस रह सकते हो, 3 महीने तो आप सेक्रीफाइसेस कर सकते हो. लेकिन दोज हु आर आउटस्टेशन स्टूडेंट्स, प्लीज टेल यूर पेरेंट्स दैट फॉर दीज 3 मंथ्स प्लीज डोंट एक्सपेक्ट मी टू एंड स्टे देयर एंड डू द ऑनलाइन. हाँ, ऑनलाइन कब वर्क होगा? इफ यू आर 100% ऑनलाइन, एज आई सेड अर्लियर, एंड यू आर वेरी मच डेडिकेटेड एंड कमिटेड टू द प्रिपरेशन. लेक्चर शुरू कर किया वो मोबाइल पे किया या लैपटॉप पे किया और फिर सो गए, ये नहीं होने वाला. लेक्चर शुरू किया और फ्रेंड के साथ चैटिंग शुरू कर दिया, वो नहीं होने वाला. लेक्चर शुरू किया और बाकी दूसरी कोई चीज़ों को कर, वो नहीं होने. वो आपका कंसंट्रेशन लेवल अगर है तो वही वो ऑनलाइन में होने वाला है. तो
ऑनलाइन इज यूजफुल नो डाउट, बट ऑनलाइन में सक्सेस मिलने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने की जरूरत, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा फोकस्ड रहने की। एज फार एज द इंटेलिजेंस लेवल इज कंसर्न, आपके पास इतना लेवल इंटेलिजेंस है दैट आई प्रॉमिस, आई अश्योर यू दैट यू कैन बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट सक्सेसफुली। सवाल यही है कि आपके पास जो इंटेलिजेंस है उसका आप यूटिलाइजेशन करते हो या फुल लेवल पे, कॉम्प्रेंसिव लेवल पे उसका यूटिलाइजेशन करते हो कि नहीं, ये एक ही सवाल है। और अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटेम्प्ट में इसका आंसर नो ऐसा आया था। सेकंड थिंग दैट यू हैव टू डू इज योर मोरल हैज टू बी बूस्टेड। आपको पॉजिटिव सिग्नल्स आपके सबकॉन्शियस माइंड को देना है, होगा क्या नहीं होगा इस अनसर्टेनिटी से अगर आप पढ़ाई करना शुरू करेंगे तो वो नहीं होने वाला। गिव द पॉजिटिव एडवाइस टू योर सबकॉन्शियस माइंड कि ये करने वाला है, हम करने वाले हैं, चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, आई एम गोइंग टू डू इट। जब तक ये किलर्स इंस्टिंक्ट आपके अंदर नहीं तैयार होता तब तक पासिंग विल पॉसिबल। समझा क्या? ऐसे अनसर्टेनिटी मत रखो, ऐसे डायलेमेटिक कंडीशन में मत रखो, होगा नहीं होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, होगा तो क्या होगा। नो, इट इज गोइंग टू हैपन, वेल आई एम गोइंग टू गेट अ सक्सेस, हाउ एवर डिफिकल्ट इट माइट बी, आई एम गोइंग टू, आई एम कमिटेड फॉर दैट, आई एम गोइंग टू मेक इट पॉसिबल। जब इतने सारे स्टूडेंट्स पास हो गए और इतने सारे स्टूडेंट इतने अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं, तो वाई डू आई एटलीस्ट क्लियर द एग्जाम, देयर इज नो रीजन, है ना। ये सब एटीट्यूड है डेवलप, इस एटीट्यूड से हमें आगे। जो नोट्स आपको दिए जाएंगे, माई पर्सनल रिक्वेस्ट वुड बी दैट मेक अ सेपरेट नोटबुक, आई विल बी गिविंग यू द स्पेसेस ऑन दैट, बट देन आपके एक सेपरेट नोटबुक बनाओ। एक नोटबुक रहेगी जो क्लास में हम एमसीक्यू सॉल्व करते के लिए होगी, एक जो नोटबुक होगी वो मॉड्यूल एमसीक्यूज के लिए। ऐसा कुछ अलग सेट बनाओ और उन क्वेश्चंस दोबारा दोबारा अपना ना सॉल्व करो। आई विल बी टेलिंग यू टाइम टू टाइम व्हाट इज। समझा? तो ये 3 महीने आप फोकस रहेंगे, मेरे तरफ से मैं भी फोकस रहने वाला हूँ, आई कमिट फॉर दैट, आई हैव अ कमिटमेंट फॉर दैट। और ये सब होने बाद जब रिजल्ट लगेगा वो डिसम्बर अटेम्प्ट का, तो यू स्माइलिंग फेसेस, ये मेरा आप हमारा है। समझा? फक्त ते मी सांगितलं तेवढं फॉलो करा। अगर उसमें तुम डिनाई करते हो, उसमें तुम कॅज्युअल होते हो, लेक्चर्स मिस करते हो, सीजन से एक्सेप्ट इफ यू आर बेड रिडन, यू आर अलाउड टू बर्न द ऑफलाइन फेस टू फेस लेक्चर एंड अटेंड इट ऑनलाइन, बट अदरवाइज ऑन एनी ग्राउंड इफ यू डू नॉट अटेंड द फेस टू फेस लेक्चर, और अगर ऑनलाइन करना है तो फुल 100% ऑनलाइन, कधीतरी मध्येच यायचं क्लास मध्ये मध्ये। आई होप दिस यू अंडरस्टँड व्हॉट फीलिंग्स आई वॉन्ट टू कन्वे एंड कम्युनिकेट टू यू। समझा ना? तो ये फेल्युअर हुआ था, भूल जाओ वो, दिस फेल्युअर हैज नाउ बिकम द हिस्ट्री। फीलिंग बैड अबाउट इट, डिसअपॉइंटेड अबाउट इट, नर्वस अबाउट इट, लेट इट नॉट हैपन, बट इट शुड इग्नाइट अ पॉवर ऑफ एग्रेशन इन युअर माइंड नाउ, दैट जो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ था वो तो हम मिला के देख आएंगे, बट वो भी अच्छे के साथ मिलाएंगे, और फिर इंटरमीडिएट और फाइनल में ही ट्रैक हम यूज करेंगे। फिर ये एक अपने को आदत बनाना है, पढ़ाई एक आदत होनी चाहिए, पढ़ाई एक ट्रेट होना चाहिए, पढ़ाई एक आपका कैरेक्टर होना चाहिए। फिर लेट एग्जामिनेशन वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम, इवन दो फाइनल एग्जामिनेशन डिफिकल्ट, स्टिल पीपल पास की नहीं, पासिंग पॉसिबल है कि नहीं, फेल होने का। तो इस स्पिरिट से साथ हर सब्जेक्ट, इस स्पिरिट के साथ करो, एक भी लेक्चर अटेंड जैसे आपका वहां आपको टुवर्ड्स द एंड ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैंने इतने लेक्चर्स नहीं अटेंड किए, तो इट शुड, यू शुड हैव अ पॉजिटिव फील दैट यस आई हैव 100। आप अटेंड करो, आपको सक्सेस मिलेगा, यह मेरे वादा है। और आप मिस करेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकता, ये भी हमारा वादा है। इट इज लाइक दैट, इट इज सो सिंपल लाइक दैट। लेक्चर्स अटेंड करो, सक्सेस मिलेगा ये फॉर श्योर। टुडे आई एम नॉट गोइंग टू स्टार्ट विद इट इज एक्चुअली
लेकिन अपनी साइकोलॉजी को कंसोलिडेट करो आज, क्या कि मेरे को ये करना है, आई एम गोइंग टू राइट। पहला चैप्टर जो होने वाला है एमसीटी होने वाला है, हो सके तो आपके पास अगर प्रास्ट बैच की कोई भी लिटरेचर है, जहाँ कहाँ भी आप थे, कि जो भी क्लास में आप थे, देखो टीचर कभी भी बैड और स्ट्रांग होता नहीं है, और बैड ऐसा नहीं होता है, टीचर से आप कितना लेते हो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं इस क्लास में था, फिर हमारा ये लिया ही नहीं था, इतनी सारी थ्योरी ली ही नहीं थी वगैरह वगैरह, ऐसा ओके दैट हैज बिकम द हिस्ट्री, नाउ वी आर गोइंग टू डू एवरीथिंग। तो जितने पे मटेरियल आपके पास है उतने करो कल के, एंड फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद लर्निंग दैट चैप्टर वेरी सिंसियरली, वेरी ऑनेस्टली एंड विद अ परफेक्ट प्लानिंग। ओके तो गुड लक, भूल जाओ फेल हो गए थे आप, अभी फ्यूचर इज गोइंग टू बी योर्स, यू आर गोइंग टू फॉर दैट मैटर। थैंक यू।